हेलो फ्रेंड्स, प्रो गेम चैनल में आप सबों का फिर से स्वागत है। मेरा पिछला वीडियो हाउ टू फॉर्मेट पेन ड्राइव यूजिंग CMD जो कि एक शॉर्ट वीडियो था, उस पे आप सबों का प्यार देखकर मैं फैसला किया कि एक और वीडियो इसी नीच पे बनाना चाहिए, जिसके कारण मैं ये वीडियो शुरू किया हूँ। और ये डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, तो इसमें हम हर एक पहलू पे बात करेंगे कि कैसे एक पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे हम डिस्क पार्ट का इस्तेमाल करके किसी भी पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी करप्टेड पेन ड्राइव है तो उसको क्लीन करके फिर से हम रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या जानकारी होना चाहिए कि आपका जो ड्राइव है वो ड्राइव का नाम क्या है, क्योंकि अगर नाम नहीं पता होगा तो आप किसी भी गलत ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मेरा जो ड्राइव है वो विंडोज H करके है, ड्राइव का नाम H है। तो हमको इस ड्राइव को फॉर्मेट करना है, जो कि एक बूटेबल डिवाइस है विंडोज 11 का। तो दोस्तों, कि जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि मेरे ड्राइव का नाम H है, उसको मुझे फॉर्मेट करना है। अब यहाँ पे आप CMD को दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका है, डिस्क पार्ट को दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक है आपको CMD के थ्रू इसको रहना करेंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिस्क पार्ट, जो कि हमारे डिस्क पार्ट के ऊपर लेके चला जाएगा। डिस्क पार्ट में बेसिकली क्या होता है, डिस्क से रिलेटेड जितना भी आपका ड्राइव है उससे रिलेटेड अगर कोई भी काम करना हो, कोई फाइल कॉपी करना हो, या फिर किसी फाइल को, किसी ड्राइव को फॉर्मेट करना हो, किसी पर्टिकुलर पार्टीशन को फॉर्मेट करना हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्क पार्ट का। मतलब कि डिस्क से रिलेटेड जितना भी काम होगा डिस्क पार्ट में हमारा होगा। तो डिस्क पार्ट ओपन करके ही हम इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं, फिर किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, ये तो CMD के माध्यम से हो गया, दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट आप यहाँ से विंडोज क्लिक करके डिस्क पार्ट सर्च करें और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, तो ओपन हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हम डिस्क पार्ट ओपन कर सकते हैं। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ पे भी दो रूल है। पहला है कि आप अपने ड्राइव को, मतलब मान लीजिए ये तो एक USB ड्राइव है जिसको फॉर्मेट करना है, इसको फॉर्मेट करने के लिए अगर हम चाहें तो इसको या तो इसके पूरे के पूरे पार्टीशन को क्लीन कर सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर पार्टीशन को क्लीन करके, या फिर किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम को क्लीन करके उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन डिस्क है, डिस्क 0, 1 और 2। इन तीनों डिस्क में से मैं जिसको चाहूँ उसको फॉर्मेट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से डिस्क को क्लीन करूँगा तो ये मेरा जो जितना भी पार्टीशन होगा उसके अंदर वो सारा का सारा क्लीन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम दिखा देते हैं लिस्ट वॉल्यूम, यहाँ पे मेरा 7 वॉल्यूम है। अगर हम किसी पार्टिकुलर डिस्क को सेलेक्ट करते हैं, जैसे डिस्क 1 है, इसमें मेरा GEF 3 पार्टिकुलर वॉल्यूम है, ये तीनों का तीनों क्लीन हो जाएगा अगर हम डिस्क 1 सेलेक्ट करके इसको फॉर्मेट करें। तो मुझे सिंपली इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है जो कि वॉल्यूम 7 है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम को सेलेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम 7, और इससे हम फॉर्मेट करेंगे तो मेरा ये जो पेन ड्राइव है वो सिर्फ पेन ड्राइव एक ही वॉल्यूम फॉर्मेट होगा, जो मेरा प्राइमरी वॉल्यूम होगा, क्योंकि पेन ड्राइव में तो एक ही वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर हम सेलेक्ट करते हैं डिस्क, जैसे सेलेक्ट डिस्क 1, तो डिस्क 1 में जितना भी मेरा पार्टीशन है, जैसे यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, डिस्क 1 में 3 पार्टीशन है, EF और G, ये तीनों के तीनों फॉर्मेट हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, सिंपली ये जो वॉल्यूम है इसको सेलेक्ट करके हम फॉर्मेट करेंगे। यहाँ पे मेरा वॉल्यूम सिलेक्टेड है, फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई इशू ना हो, वॉल्यूम 7 इंटरफेस किए, मेरा 7th वॉल्यूम जो है वो सिलेक्टेड है। अब इसको हम फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट का जो कमांड है, फॉर्मेट FS = यहाँ पे आप अपने अपने डिवाइस का, जो भी USB डिवाइस है उसका यहाँ पे आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप से आप उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं। 3 टाइप होता है, एक NTFS, दूसरा होता है XFAT और एक होता है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में कीजिएगा तो आपका जो ड्राइव है वो जो ओरिजिनल क्वालिटी में जिस तरह से था उस तरह में चला जाएगा। और इन दोनों को सेलेक्ट कीजिएगा, जनरली USB के लिए EXFAT का इस्तेमाल किया जाता है,
और इसको इंटर करेंगे तो मेरा परसेंटेज चालू हो जाएगा और पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।